हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह है शाम का वीडियो और आज मैं शाम से वीडियो बना रही। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसी धो रही है भगवान जी का बर्तन, जो शाम को दिया बत्ती होता है ना, तो बस प्रिंसी उन्हीं का बर्तन धो रही थी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी सारा कपड़ा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि ना सारा कपड़ा भी, और ठंडी में ना सबसे ज़्यादा कपड़े ही बहुत निकलता है, और मेरे घर तो कुछ ज़्यादा ही कपड़ा निकलता है, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि सब एक के बजाय 10-10 कपड़े पहनते हैं बस मुझे भर छोड़ के। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी सारा कपड़ा फोल्ड करने में। तो मैं सारा पहले बड़े बड़े कपड़े फोल्ड कर ले रही थी, उसके बाद फिर सब जितने छोटे कपड़े बचेंगे ना तो उन्हें सब फोल्ड कर लूँगी। और प्रिंसी कर रही है भगवान जी का दिया बत्ती, तो उसके बाद फिर मैं भी कपड़ा फोल्ड करने के बाद ना फिर चलूँगी, खाना पीना बनाऊँगी। और जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मेरे मतलब फूफा जी एक्सपायर हो गए थे आज ना, तो बस खाना तो बस इन्हीं भर के लिए बनाऊंगी, और अपने और मम्मी के लिए देखूंगी। थोड़ा सा साबूदाना भिगो दी हूँ, शाम को ही ना मैं साबूदाना भिगो दी थी थोड़ा सा, तो बस चलूंगी वही साबूदाना बनाऊंगी। और जब साबूदाना बनाऊंगी तो बच्चों को तो वही बहुत पसंद है, तो बच्चे तो वही खा लेंगे। बस इन्हें भर के लिए मैं रोटी सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी भी नहीं खाएँगी, मैं भी नहीं खाऊँगी, तो फिर ज़्यादा बनाना नहीं है। तो उसके बाद देखिए, सारा कपड़ा तो फोल्ड हो गया था, और कपड़ा ना मैं आज यहाँ ही रखूँगी, अभी अपने कमरे में नहीं रखूँगी कपड़ा, क्योंकि ना मुझे अभी अपने कमरा का पूरा जितना मतलब पूरा फैला हुआ, पूरा अलमारी आप लोग देखते होंगे एकदम भूसा के जैसे भरा हुआ है, तो ना सबसे पहले मैं पूरा अलमारी अच्छे से सरियाऊँगी कल, अगर कल समय मिला, नहीं तो फिर देखूँगी मतलब पूरा अलमारी सरियाऊँगी तभी सारा कपड़ा यहाँ से लेके जाऊँगी। तो उसके बाद फिर देखिए, मैं आ गई थी किचन में, और वहाँ पे मैं इंडक्शन पे रख दी थी मूँगफली भूजने के लिए। और तब तक यहाँ पे देखिए, मैं छोटे छोटे आलू काट ले रही हूँ, मतलब छोटे छोटे पीस में, क्योंकि साबूदाना जब बनाते हैं ना तो उसमें छोटे छोटे आलू लगते हैं, तो बस यहाँ पे उसके लिए भी काट ले रही थी। और इनको जो भुजिया बनाऊंगी आलू प्याज की, तो उसके लिए भी मैं काट ले रही थी। तो बस यहाँ पे देखिए, ये सब करने के बाद फिर मैं चलूँगी, थोड़ा सा बना दूँगी साबूदाना। तो यहाँ पे देखिए, आलू काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए थे और आलू पक भी गई थी, तो उसमें मैं डाल दे रही हूँ सेंधा नमक, जो मैं सुबह पीस के रखी थी सेंधा नमक ना। और फिर ये मूँगफली थी, तो इसी मूँगफली में ना मैं धनिया और हरी मिर्च को भी पीस ली थी, और उसमें फिर मूँगफली डाल के दरदरा कर ली थी। उसके बाद देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। और आप लोग सोचते हैं कि साबूदाना भी हरे मसाले में बना रही हैं, तो ना देखिए, समय धनिया पत्ती थी ना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो बस ये देखिए साबूदाना में भिगो के रखी थी शाम को, करीब 2-3 घंटा हो गए हैं साबूदाना फूले, काफ़ी अच्छे से फूल भी गया था साबूदाना। तो यहाँ पे देख, और साबूदाना मैं थोड़ा ढेर मतलब थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ना साबूदाना बहुत पसंद होता है, और ये सब चीज़ ना देखिए रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितने खिले खिले साबूदाना बने हैं, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। तब तक मैं अब चल रही से ढक दूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि साबूदाना अच्छे से पक जाए। और उसके अंदर मैं चल रही छोंक दे रही हूँ आलू प्याज की भुजिया। और यहाँ पे जो ये टेबल में रखी हूँ ना, तो देखिए दोस्तों, मतलब एक मेरी फ्रेंड है तो कह रही थी, दीदी आप यहाँ पर स्लैब बनवा लो तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। तो मुझे देखिए आराम तो बहुत हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड ना मेरी देखिए भी इतनी स्थित नहीं है कि मैं स्लैब व्लैब बनवा सकूँ, क्योंकि इस समय ना मतलब अब आप लोग तो समझते होंगे कि कितना दिक्कत है, मतलब नहीं कर सकती। बस ये जान लीजिए कि बड़ी मुश्किल से हम सबका खर्च पानी चल जा रहा है, बस इतना ही बहुत है। और बड़ी मुश्किल क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, बल्कि लोग गरीब होते हैं ना तो भी अच्छे से खा पी लेते होंगे, लेकिन अब इस समय हमारे यहाँ मैं देखिए कोई बहुत चीज़ तो बनाती नहीं हूँ, आप लोग अच्छे से देखते, जो मेरे घर में रहता बस मैं वही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं साबूदाना जो बनाई थी ना, तो प्रिंसी भगवान जी को मैं दे दी थी कि भोग लगा दो, और तो फिर प्रिंसी भोग लगाती थी भगवान जी को, तो वही देखिए प्रसाद मुझे खिला दी थी प्रिंसी। और तब तक ना इनका फ़ोन आ गया था, तो कुछ काम था इन्हें, क्योंकि वही जो बताई आपसे ना कि जो पानी गर्म करने वाला होता है वो जल गया था, तो बस वही कह रहे थे कि दुकान तो बंद, हम कही तो बंद फिर जान दो कल बनवा देना, तो वही मैं दी थी इन्हें बनवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी भी छोंक दी थी, और मेरा भी ना मन बहुत है किचन स्लैब बनवाने का, लेकिन देखिए भगवान कब मेरा सपना पूरा करेंगे, क्योंकि मुझे भी ना बहुत शौक रहता कि किचन स्लैब रहे, मैं भी खड़े होकर बर्तन, मुझे ना किचन स्लैब में मैं अक्सर सबका वीडियो किस लिए देखती ना, मुझे सबका किचन बहुत है, मुझे किचन का बहुत शौक है, मतलब इतना ज़्यादा मुझे किचन का शौक है ना कि जिसका कोई उम्मीद नहीं है। मुझे बहुत शौक रहता कि मैं अभी किचन स्लैब पे खड़े होकर बर्तन धुलूँ, खाना बनाऊँ, और जो एकदम टाइल्स वाइल्स लगा होता है ना, तो इस चीज़ का मुझे बहुत शौक है। देखे भगवान मेरा सपना कब पूरा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज ना हम लोग चाय नहीं पिए थे मैं और मम्मी, क्योंकि ना आज दूध नहीं था,
आज कले दूध नहीं लाए थे, तो दूध नहीं था तो शाम को हम लोग, मैं और मम्मी चाय नहीं पिए थे, तो ये दूध ले आए थे ना, तो मैं सबसे पहले चाय रख दी थी। और उसके बाद देखिए सब्जी ले आए थे, तो सब मैं कही सबसे पहले सब्जी धुल के रख दूँ, क्योंकि सब्जी जब धुल के रखे रहो ना तो सही रहता, चाहे जब मन हो जो लोग लेके बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं सब सब्जी धुल दे रही थी, और बाकी आगे वाले कमरा में जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बर्तन रखा था ना, तो आए सब भीन के लेते आए थे, और तब तक मेरी चाय पक रही है और यहाँ पे मेरी सब्जी भी धुल जा रही है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों मेरा सारा मतलब सब्जी उब्जी सब धुल दी थी, और उसके बाद फिर मैं देखिए रख दी हूँ चाय, और चलो बैठ के पहले आराम से चाय पीऊँगी। तो उसके बाद बस रोटी इन्हीं भर के लिए सेक रहे हैं, बस 2-3 रोटी सेकूँगी, और बाकी तो सब लोग साबूदाना ही खा लेंगे, क्योंकि बच्चे देखिए जब साबूदाना खा लेंगे एक गिलास दूध पी लेंगे ना, तो उसके बाद फिर रोटी कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ पर देखिए सब लोग खाना पीना खा चुके थे, अब रह गई थी लास्ट में मैं, तो ना साबूदाना मैं थोड़ा सा ले रही, पता नहीं क्यों ना चाय पी ली और उसके बाद एक गिलास मन कर ली ना, फिर मेरा भी कुछ मन नहीं करा, तो थोड़ा ही से बस मैं साबूदाना ले ली थी। और आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ। तो फिर देखिए मैं भी आ गई थी आगे वाले कमरा में, और सब यहाँ पे बैठ के खा रहे थे, तो बस यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी, और सामने टीवी चल रही थी, तो बस ऐसी बैठ गई थी। और ये टीवी ना मेरी शादी की है, करीब ये टीवी हो गई है 17 साल इस टीवी को हो गया है, 2-3 बार खराब भी हो गया, लेकिन अब खराब होगी तो बनेगी भी नहीं। तो उसके बाद फिर देखिए ये है सुबह का ब्लॉग। तो सुबह यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा सब कर चुकी थी, और यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी बर्तन धुलने। और आज ना दोस्तों किचन का मैं करीब 5-6 डब्बा भी निकाल, मेरी आदत है ना जैसे किचन में अगर कोई डब्बा खाली होता तो मैं उसे धुल देती हूँ, तो यहाँ पे करीब 5-6 डब्बा खाली हो गया था, तो मैं कहीं के सारा धुल देती हूँ, क्योंकि देखिए अगर ऐसे धुलते रहती हूँ ना तो फिर किचन थोड़ा साफ भी रहता है, और मेरा किचन तो इस समय बिल्कुल भी नहीं साफ है, ये आप लोग भी सोचते होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी ना दोस्तों, ठंड की वजह से मेरी कोई भी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लिया, थोड़ा घर पर ध्यान दे दूँ, ठंड के मारे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हद से ज़्यादा ठंड थी इस साल। तो बस इसलिए मैं कही आज 5-6 डब्बा धुल लो, ऐसे रोज डेली कर करके ना मैं 5-6 डब्बा धुलते जाऊंगी, तो फिर लास्ट में रह जाएगा किचन साफ करना, तो फिर मैं किचन भी साफ कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए सारा बर्तन भी धुल गया था। और आज दोस्तों ना मैं आज विश्वास करेंगे आप, सुबह सुबह एकदम धूप निकल आई थी, करीब 6 बजे एक बार धूप अपनी झलक दिखा दी थी, लेकिन उसके बाद ना फिर बदरी भी कर रहा था, धूप भी निकल इस तरह से लगाई थी। तो यहाँ पे आज मैं सोची ना एक कम्बल धुल दूँ, क्योंकि कम्बल में इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है ना, डेली यहाँ पर मतलब सब बैठ के खाना खाना हर एक चीज़ बिस्तर पर हो रहा था, तो जिस वजह से ना सब कम्बल में बहुत ज़्यादा स्मेल आई। तो एक कम्बल तो मैं देखी सुबह ही डाल दी थी, तब लाइट कट गई थी, तो उसके बाद लाइट नहीं आई थी, तो फिर मैं सोची ना कि टब में मैं धुल दूंगी कपड़ मतलब निचोड़ लूंगी, लेकिन ना इस टब में नहीं हो रहा था, मतलब टब कम्बल पूरा टब में आ जाए तो पूरा पानी पता ही नहीं चल रहा था। तो उसके बाद फिर मैं ना दोनों कम्बल था जो वॉशिंग मशीन में ही अच्छे से निचोड़ दी थी, तो फिर चल रही हूँ मैं अभी नहा लूँ, क्योंकि ना टप इतना छोटा था ना, तो टप अगर आप या तो फिर अगर बड़ा टप रहता तो उसमें हो जाता। तो फिर देखिए मैं अभी नहा धो के और मतलब पूजा वूजा सब कर ली थी, चाय भी पी ली थी, तो फिर एक कम्बल भी हो गया था ना, तो मैं कहीं जाऊँ इसे पहले फैला आऊँ छत पर, क्योंकि इस समय देखिए धूप तो नहीं है लेकिन कम से कम कुछ हवा तो लगते रहेगी, तो बस इसी बारछा पे मैं फैला दूंगी, बारछा पे थोड़ा धूल रहता है ना, तो उसे मैं अच्छे से पोंछ दी थी। और उसके बाद फिर देखिए वो कम्बल एकदम निखर गया है, इतना मतलब ये जो ये वाला कम्बल मैं डाल रही ना, तो ये तो एकदम काला हो गया था जैसे गंदगी से। तो यहाँ पे देखिए कम्बल को डाल दे रही, और अब ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे धूप निकलेगी ना वैसे वैसे मेरी सफाई चालू होगी, और भी काम अब मेरे लिए बढ़ते जाएगा। तो कम्बल उम्बल सब डालने के बाद फिर मैं वीडियो नहीं बनाई थी, फिर देखिए 3 बजे का वीडियो, तो यहाँ पे मैं सारा कपड़ा उतार ले रही थी, और प्रिंसी भी देखिए स्कूल से आ गई थी, तो आज ना प्रिंसी का सर दर्द कर रहा था, इसलिए वो चोटी अपनी खोल दी है, पता नहीं क्यों ना दोस्तों इसका सर ना पीछे की साइड दर्द करता है, अब देखूंगी नहीं तो फिर दिखाऊंगी डॉक्टर को, रह रखने आ तो सर्दी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन सर्दी तो है नहीं, और पता नहीं क्योंकि एक बार बीच में मैं इसे दिखाई थी डॉक्टर, तो डॉक्टर एक दवा दिए थे, तो दवा ये लेते आएंगे, लेकिन हाँ इसे एक बार दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कम्बल तो काफ़ी अच्छे से सूख गया, तो वही मैं मम्मी को दिखाई कि मैं कही मम्मी अगर मुझे पता होता ना तो चारों कम्बल धुल दी होती, तो मम्मी कहें कि चलो 2 सूख गया है, दो कल अब कल तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, अब कल नहीं अब परसों धुलूंगी। तो फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए सब कम्बल वम्बल मैं लेके चलूंगी नीचे, और है ना कोई प्रसाद दिया था, तो मैं आप लोग को मैं सोची दिखाऊँ कि मैं नारियल देखिए कितने आसानी से इसका जो ऊपर का ये परत होती है निकल जाती है, अब बहुत मतलब चक्कू से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग देखिए कितनी आसानी से निकल गया, तो बस मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ। तो उसके बाद मैं देखिए बनाई थी शाम की चाय, और उसके बाद फिर मम्मी लोग देखिए वही जो मैं नारियल तोड़ी थी, तो मम्मी लोग वही प्रसाद सब खा रही थी।
यहाँ पे ना मैंने बना दी थी शाम की चाय, और चाय पी लूँगी तब फिर लगा लूँगी झाड़ू और धुल लूँगी बर्तन, उसके बाद फिर चोटी उटी करके, और थोड़ा सा सोच रही हूँ अपनी सिलाई मशीन निकालने के लिए, क्योंकि ना मेरी एक दो साड़ी है तो उसका लेस खुल चुका है। तो बस यहाँ पे देखी मम्मी से, मतलब चाय भी पी रही थी, मम्मी से ऐसी बातचीत हो रही थी, वही मम्मी अपने बैठती तो ये पुराने घर की बात होने लगती है, तो बस वहाँ का ये सब बताने लगती हैं। अब मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ पुराने घर जाने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पुराना घर भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। अब एक दिन चलो तो वहाँ की भी सफाई फाई करूँ, पूरा दिन निकल जाता है वहाँ की सफाई करने में। तो फिर देखिए चाय पीने के बाद फिर सारा काम भी कर ली थी और बाल भी बना ली थी। तो फिर यहाँ पे देखिए जो मेरी ग्रीन वाली साड़ी थी ना, तो इसका नीचे का पूरा लेस खुल गया था, तो ख़राब लगता था चलने में ना, बार बार फंस जाता था। तो मैं कहीं पहले से सिलाई मार लूँ, और इस समय मेरी मशीन भी ना काफ़ी जाम हो गई है सिलाई मशीन। तो अब देखो इसमें तेल डालूंगी, पूरा अच्छे से तेल डालूंगा ना, मैं पूरी सिलाई मशीन की रिपेयरिंग कैसे करती हूँ ये भी आप लोग को दिखाऊंगी। और आप लोग भी अगर मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो मैं आप लोग को एक एक अच्छी अच्छी सिलाई टिप्स बताऊंगी, और काफ़ी सिलाई का मैं बहुत जो भी सोची हूँ सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी सिलाई का, क्योंकि ठंड की वजह से ना मैं इस बीच कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे कितने दिनों के मशीन तो खैर मैं रोज़ खोलती हूँ, क्योंकि डेली मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे मेरा शॉर्ट वीडियो सिलाई मशीन का। लेकिन हाँ अपने ब्लॉग में नहीं ले आ सकती थी, कहीं चलो अब धीरे धीरे सब बनाऊँ, क्योंकि मुझे अपना ब्लाउज सिलना है, सारा काम करना है। तो प्रिंसी का स्वेटर था ना, तो इसकी भी सिलाई खुल गई थी, तो बस इस पर भी मैं लगाने लगी थी सिलाई। और दोस्तों आज का ब्लॉग ना बस यहाँ ही तक का है, आज का ब्लॉग मतलब आप यहाँ ही तक मैं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और जो भैया दीदी नए होंगे तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।